नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संदेश इंस्टीट्यूट में, और मैं हूँ सर्वे श्रीवास्तव। और आज जो है मैं रीजनिंग का मैट्रिक टेस्ट चैप्टर में आज स्टार्ट करने वाला हूँ। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि यदि आप हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की लगातार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिलता रहे। सो मैट्रिक टेस्ट के चैप्टर में क्या होगा कि इसमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें मैट्रिक टेस्ट में क्या होगा कि कोई एक आकृति दे दी जाएगी, कोई एक शेप दे दिया जाएगा, उसमें कुछ नंबर्स आपके दिए जाएंगे, उस नंबर्स में से कोई एक नंबर वहाँ से लुप्त होगा। उसमें से क्या करना होगा कि उसमें उस संख्या की आपकी मैचिंग लगानी होगी कि वह मैचिंग जो होगा किस मैचिंग से आपका वो अगले वाले वर्ड अगला वाला नंबर को फाइंड किया है उसी के बेस के आधार पर जो है उस नंबर को आपको फाइंड करना होता है। मतलब उन सभी नंबरों का एक रिलेशन फाइंड करना होगा आपको कि यह किन बेस पर जो है आपका ये नंबर आपका ये इसके अकॉर्डिंग आपका चल रहा है, इसके नंबर की क्या क्या पोजीशन है उसके आधार पर आपको जो नंबर हमें फाइंड करना होता है। फिर इसके साथ ही साथ इसमें वर्ड पर भी आपको आधारित रहेगा, इसमें वर्ड भी आपके दिए जाएंगे, उस पर भी आपको उसमें से कोई एक वर्ड आपको जो है लुप्त होगा उसमें से भी आपको फाइंड करना होगा। तो उस तरह के जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में बार बार आपसे पूछे जाते हैं। सो चलिए हम आज के जो प्रैक्टिस जो होगा इसमें मैट्रिक टेस्ट के आधार पर मैं आपको कराता हूँ कि किस किस टाइप के जो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि मैट्रिक टेस्ट में पहला क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर इसमें इस तरह का एक फिगर आपको दिया है जिसमें 1, 8, 27 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पर आप देख लीजिए, ये फिगर दिया है, इस फिगर में कुछ नंबर्स लिखे गए हैं, ठीक है। और इन नंबर्स में हमें क्या करना है कि एक दूसरे का हमें संबंध देखना है कि किन संबंधों से या किस नंबर्स के अकॉर्डिंग जो है ये नंबर आपका चला हुआ है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप इसको देख लेते हैं कि ये 8 का ये जो है आपका यहाँ पर 8 का जो है क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये 1 का क्यू हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये 1 का यहाँ पर हम लोग क्यू कर लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा। ये 2 का यदि हम क्यू कर देते हैं तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और 3 का हम क्यू कर देते हैं तो 27 होगा, ठीक है। और जब ये 1, 2, 3 है तो ये 4 होगा ही आपका। तो 4 का जब आप करेंगे क्यू तो ये हो जाएगा आपका 64, मीन्स 4 × 4 × 4, ठीक है। तो ये 16, 16×64 आपका जो है, ठीक है। तो ये 64 यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो 64 क्या है, 64 ये का आपका ये यहाँ पर एक नंबर आपका है जो कि ये 1, 8, 27 का जो आपका जिस अकॉर्डिंग चल रहा था तो यहाँ पर जो है कौन सा नंबर आएगा, 64 नंबर आएगा, ठीक है। चलिए फिर अगला हम क्वेश्चन दिखाते हैं इसे। इस तरह का फिगर ये ऐसे दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर 3 दिया है तो यहाँ पर 9 दिया है, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है तो 25 दिया है, ठीक है। और कौन बच गया है, ये है, ठीक है। अभी देखिए दूसरा क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस तरह का दिया है, यानी कि 5 को 25 दिखा रहा है, 9 को 3 को 9 दिखा रहा है, मतलब कि 5 का 5 इंटू 5 जब कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। यानी कि इसको कह सकते हैं कि ये 5 का ये स्क्वायर है, यानी कि इस संख्या का ये स्क्वायर है 25, 3 का स्क्वायर है 9, 2 का स्क्वायर है 4, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। थर्ड नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये देखिए, ऐसे करके आपका कुछ फिगर है, यहाँ पर 1, 9, 25, 4, 16, 36, 9, 25 क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे जो है यहाँ पर कौन सा नंबर होगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर उसकी मैचिंग देख लीजिए, 1, 9, 25, ये इसकी एक नंबर का आपको देखना होगा सबसे पहले आपका, कि इसका संबंध क्या है, इन सभी नंबर्स का संबंध क्या आ रहा है। ठीक है, तो संबंध में आप देखेंगे ये क्या है आपका, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, क्लियर है, एक बेस मिल गया हमें। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 16 है, 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 5 का बन रहा है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का हो जाएगा, ये 6 का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 का हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स में को हम देखकर आपको ये फाइंड करना है कि जब तक उसका संबंध नहीं निकलेगा तब तक उस नंबर को जो है नहीं हम निकाल पाएंगे। इसमें आपको आपने देखा कि पहले ये 1 का स्क्वायर है 2 का, फिर वो 3 का है, फिर आपको ये 3 है, 4 है, वो 5 है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पर चला हुआ है, ये 5 का, 6 का, वो 7 का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 7 का भी उसका हम लोग ऐसे रो और कॉलम में दिया गया है। एट, 3, 4, 14, 6 क्वेश्चन मार्क, 14, 4, 7, 18। ध्यान देंगे ये नंबर यहाँ से आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये वाला फाइंड करना है कि इसमें क्या आपका नंबर आएगा। 8, 3, 14, यानी कि जो नंबर जो बड़ा होता है उस नंबर के ऊपर वाले नंबर से आपको ये देखना होगा कि इन सभी का रिलेशन क्या है या इसका संबंध क्या है, इसका संबंध क्या है। ठीक है, जब तक आप इसका संबंध मैच नहीं कराएंगे तब तक इसका आंसर आने वाला नहीं है। ठीक है, और देखिए यदि हम 8 और 3 का मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान दीजिएगा, 8 और 3 का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। इसमें से -10 कर देते हैं तो कितना आ गया, 14 आ गया, मैच कर गया। ठीक है, यानी कि इन नंबर को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, उसमें से 10 माइनस कर दिया तो नंबर आ गया। उसी तरीके से इसको देख लेते हैं, इसको 7 × 4 -10, तो ये 28 और इतना हो जाएगा, कितना हो गया, 18 मैच कर रहा है आपका, यानी कि इसका भी आपका 18 आ गया। ठीक है, यानी कि इसका इसका मल्टीप्लाई करके और -10 कर दिए हैं तो आ गया 18 आ गया। अब इसके बाद उसी तरीके से आप इसका निकालना है, तो इसका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 इसके बाद -10
इक्वल कितना आएगा, 14 आएगा, ठीक है। यानी कि 6 इंटू क्वेश्चन मार्क माइनस 10 इक्वल 14, तो आप क्या करेंगे, 6 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल 14 प्लस 10, इसलिए 6 इंटू क्वेश्चन मार्क हो गया 24, इसलिए आपका क्वेश्चन मार्क बराबर 24 अपान में 6। फोर बार एक्स बराबर, सॉरी क्वेश्चन मार्क बराबर 4, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो मिसिंग जो नंबर था आपका, आप मिसिंग नंबर को कैसे आप उसको निकालेंगे, बहुत ही आसानी से इस तरीके के जो है नंबर्स को आप हम लोग जो है उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे नंबर फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर दिया है, एक यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ठीक, ये 2, 4, 20, 93, 9, 1, 5 इतना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया है आपका, क्वेश्चन क्या दिया है कि 2, 4, 20, 3, 9, 90, 1, 5 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं आपका, इनका 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 क्या संबंध है आपका, 20 कैसे नंबर आएगा। तो 2 का स्क्वायर करते हैं और 4 का स्क्वायर करते हैं, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये 4 हो जाएगा आपका, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 4 प्लस 16 इक्वल कितना हो जाएगा, 20 आएगा, 20 मैच कर गया आपका जो है, ठीक है। तो ये 20 इसका आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर आप उसको दीजिए, ये 3 का स्क्वायर है ये, और प्लस ये 9 का स्क्वायर है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से ये 1 का स्क्वायर करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करते हैं आपका ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 25, 25 एक 26, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर कितना हमारा आएगा, ये 26 नंबर आएगा, क्योंकि आपने 1 का स्क्वायर, फिर इसके बाद 5 का स्क्वायर, तो 5 का 25 हो गया, उसमें अब 1 हो गया तो 26 हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो क्वेश्चंस जो है आप एक ये बॉक्स बना है, फिर ये बॉक्स है, फिर ये बॉक्स है, ऐसे जो है आप कर सकते हैं, 12, 18, 2, यहाँ पर 5 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, यहाँ पर 2 लिखा है, फिर यहाँ पर 5 है, फिर 6 है, 3 है, 2 है, फिर 5, 2 क्वेश्चन मार्क 9, ठीक है। तो ऐसे करके जो है यहाँ पर नंबर दिया हुआ है ये, तो ये इन सभी का आपका मैचिंग दिखाना है कि इसकी मैचिंग क्या बन रही है आपको जो है, ठीक है। इसकी मैचिंग आपको दिखाने के लिए आपको यहाँ पर आप कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा, देखिए 4, 3, 12, 12, 5, 60 और 60 × 120, ठीक है। 120 आ रहा है ना, 120 आ रहा है, तो इसमें से 0 हटा दीजिए, 12 आ गया, ठीक है। देखिए आपका 6, 5, 30 और 30 दिया है 90 और 90 × 2, 90 × 180 है ना, 180 में 0 हटा दीजिए, 18 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर जो है ये कितना था, यहाँ पर ये 5, तो 5 × 2 = 10,
और 10 5 50 और 50 और 9 45, यानी 45 आ रहा है। इसको जीरो हटा दीजिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर 45 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस जब एग्ज़ाम्स में जब पूछे जाएंगे आपके, तो कितनी आसानी से जो है आप उसको आप निकालेंगे। उसका जो मिसिंग नंबर होगा उसमें आप रिलेशन आपको देखना पड़ेगा कि उसकी रिलेशन क्या है, किस संबंध से उसका जो है आपका नंबर्स को फाइंड किया जा रहा है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।